दोस्तों मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि कैसे जेओस और सेमी जेन के साथ मिलकर रोमन रेंस को धोखा दे सकते। जिमी उसे भी रोमन रेंस के साथ काम करने में इंटरेस्टेड नहीं है और पॉल हेमन ने भी बता दिया कि रोमन रेंस सिर्फ तब तक उनके ट्राइबल चीफ रहेंगे जब तक रोमन रेंस के पास चैंपियनशिप है। लेकिन इस हफ्ते के स्मैकडाउन में एक चीज क्लियर नहीं हुई कि आखिर सोलो सिकोव के क्या इंटेंशन है। अब आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या सोलो सिकोव ब्लडलाइन छोड़ देंगे या रोमन रेंस के साथ ही रहेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, आई एम बेन और चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते। दोस्तों सोलो सिकोव का इंटेंशन डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बहुत पहले ही क्लियर कर दिया था बट हमने उसे मिस कर दिया। आप देखो सर्वाइवर सीरीज वॉर गेम के बाद सोलो सिकोव के कैरेक्टर में एक अजीब सा चेंज आया था। उस टाइम सबको ऐसा लग रहा था कि सोलो सिकोव द रॉक के स्पाई एजेंट है जो रोमन रेंस को धोखा देंगे। लेकिन आप समझ आ रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई सोलो सिकोव को द रॉक का स्पाई एजेंट नहीं दिखाना चाहती थी बल्कि सोलो सिकोव को रोमन रेंस से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि सोलो सिकोव का रिएक्शन असल में सेमी जेन को लेकर आया था। अब इस बारे में मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा लेकिन उससे पहले बात करें कि क्या सोलो सिकोव सेमी जेन के साथ मिलकर रोमन रेंस को धोखा देंगे। अब इसका डायरेक्ट आंसर बताओ तो नहीं, सोलो सिकोव रोमन रेंस को धोखा देंगे या नहीं इसका खुलासा अभी नहीं हुआ है। लेकिन ये बात तो कंफर्म है कि सोलो सिकोव सेमी जेन का साथ तो बिल्कुल भी नहीं देंगे। आप देखो ट्राइबल कोड के सेगमेंट में रोमन रेंस के बोलने पे सोलो सिकोव बिना हिचकिचाए सेमी जेन को मारना चाहते थे, यानी सोलो सिकोव को सेमी जेन से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब बात करें सर्वाइवर सीरीज के बाद सोलो सिकोव अजीब बिहेव क्यों कर रहे थे, तो इसका आंसर भी सिंपल है कि सर्वाइवर सीरीज के बाद सेमी जेन ब्लड लाइन के ऑफिशियल मेंबर बन चुके थे और पहले जो जेओसो सेमी जेन को पसंद नहीं करते थे उन्होंने भी सेमी जेन को एक्सेप्ट कर लिया था और यही बात सोलो सिकोव को पसंद नहीं आई थी इसीलिए उन्होंने ऐसा अजीब रिएक्शन दिया था। आप देखो रॉयल रंबल से पहले पॉल हेमन ने भी कहा था कि उन्हें सेमी जेन बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन अगर हम उससे पहले के पॉल हेमन और सेमी जेन के सेगमेंट देखे तो उन्हें देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि पॉल हेमन सेमी जेन को पसंद नहीं करते। वैसे ही सोलो सिकोव भी सेमी जेन को पसंद नहीं करते। अब उन्होंने इस बात को पॉल हेमन की तरह खुलकर नहीं कहा लेकिन जिस टाइप की चीजें सोलो सिकोव ने सेमी जेन के साथ करी है उससे ये साफ है कि सोलो सिकोव सेमी जेन को पसंद नहीं करते और अगर वो सेमी जेन को लाइक ही नहीं करते तो वो रोमन रेंस को धोखा देकर सेमी जेन की टीम में जाएंगे, ये पॉसिबल ही नहीं है। और बात रही जेन जिमी उसो के ब्लड लाइन छोड़ने की तो इस बारे में मुझे लगता है कि रोमन रेंस सेमी जेन के साथ बहुत बड़ा गेम कर रहे हैं और अभी जैसे दिख रहा है कि रोमन रेंस की ब्लड लाइन टूट रही है ये सब रोमन रेंस का प्लान है। अब इस बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बताऊंगा लेकिन आपको क्या लगता है इतनी चालाकी से काम करने वाले रोमन रेंस को क्या सेमी जेन भारी पड़ने वाले या रोमन रेंस कुछ बड़ा प्लान कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताना। और वीडियो को एंड करने से पहले बिग शॉट टू शॉर्ट स्टार रामेश्वर 007 एंड आयशा, सॉरी अगर किसी का नाम गलत प्रोनाउंस किया तो, बट आप सभी को बिग शॉट आउट। एंड मेरे दूसरे व्यूअर जिन्हें वीडियो में फीचर होना है तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पे कमेंट करो। सो बस आज की वीडियो तक थी, वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर देना और अगर आप पहली बार रेसलिंग टॉक हिंदी पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना जिससे मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।